मुझे सिर्फ ये कह दे कि हमारा इरादा नहीं है। नहीं, इस जवाब से तो हल्के में फायदा होगा आपको। जनाब मोहम्मद मौजम शेर साहब, मौजम शेर साहब, क्वेश्चन नंबर। जनाब चेयरमैन शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 7828, द आंसर मे बी ट्रीटेड एज रेड। जनाब चेयरमैन, मेरा जो सवाल था वो बेसिकली ये था कि क्या गवर्नमेंट जो एक गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज रोडा, ये एक बहुत बड़ा मौज़ा है हमारे हल्के में, बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पर। एक गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का उसको स्टार्ट किया गया था 2017 में, उसको मुकम्मल कब तक किया जाएगा? इसके ऊपर इन्हीं के जवाब के अंदर तीन चार मुख्तलिफ जवाब दिए गए हैं कि ये कब मुकम्मल हुआ, फिर आया, फिर कॉन्ट्रडिक्ट किया गया आगे कि नहीं अब नहीं हुआ। तो मैं ये ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तो वो, अगर आपको समझ आ गई है जवाब की कि महकमा कहना क्या चाह रहा है कि क्या ये कॉलेज मुकम्मल हुआ है, जो इतना एक अहम कॉलेज है, वहाँ की बच्चियों का, हज़ारों बच्चियों का मुस्तकबिल जो है, जो तालीम से महरूम हो रही हैं अपने इस कॉलेज के स्टार्ट होने ना होने की वजह से। तो मैसिव एक प्रोजेक्ट है, पहले आप बता दें कि आपको जवाब समझ आया कि ये कब मुकम्मल हुआ या नहीं हुआ। जी मिनिस्टर साहब। जी जनाब चेयरमैन, ऑब्वियसली इसके प्रोसेस हैं, मुख्तलिफ महकमे अपना अपना काम करते हैं। तो जो बिल्डिंग की फिनिशिंग का काम है, ये तो CNW ने करना होता है। 2017 में शुरू हुई और 2020 में बिल्डिंग का काम जो है, इसमें लिखा है जवाब में, मुकम्मल हो गया। अब बिल्डिंग का काम से मुराद ये है कि उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट जुज में ये पूछ रहे हैं कि बिजली, ये बताया गया कि बिजली रहती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वो कंप्लीट हो चुका है। अब है कि इमारत महकमा हायर एजुकेशन ले तो कब तक? जी हाँ, PC4 के मुकम्मल होने के बाद ये बिल्डिंग महकमा हायर एजुकेशन के हवाले कर दी। तो जैसी बिजली लग जाएगी तो ये HED के पास आ जाएगा। इसकी जो क्लासेस हैं उनका आगाज़ इस साल तो नहीं हुआ, ऑब्वियसली नेक्स्ट फॉल में इंशाल्लाह हो जाएगा। ये जो नेक्स्ट फॉल है यानी कि 2022 का अगस्त जनाब क्लासें लगेंगी। चलो जनाब चेयरमैन, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। जनाब चेयरमैन, पहली बात तो ये है कि अलिफ़ में ये कहते हैं 2021 में मुकम्मल हुआ, बे में कहते हैं 2020 में मुकम्मल हुआ, अभी जारी है काम, ऊपर कह के मुकम्मल हो गया, 20 में कहते हैं, फिर कहते हैं 20 में मुकम्मल होगा, लेकिन अभी कुछ काम रहता है, और उसके बाद हे में जाके फिर कहते हैं दाल में कि अभी ये मुकम्मल होने के बाद ये हायर एजुकेशन के हवाले कर दिया जाएगा। ये अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन मेरी गुजारिश ये है, बिल्डिंग मुकम्मल हो चुकी है, होनी थी, 2017 का प्रोजेक्ट है, मैक्सिमम 2019 तक ये मुकम्मल हो के वहाँ पर क्लासेस का इजरा हो चुका होना चाहिए था। लेकिन अगर 21 में भी मुकम्मल हुई है तो आप खुद सोचें जनाब चेयरमैन, और ये मैं इस ऑनरेबल हाउस को भी मैं कहूँगा कि वो सोचें कि एक बच्चियों की एजुकेशन के लिए जो एक कॉलेज है, जो 2 साल में मुकम्मल होना था उसको 5 साल हो गए, और वहाँ पर 1.5 साल से बिजली का इशू ही चल रहा है कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट कहता है कि जी हम बिजली आएगी तो ये आगे क्लासेस लगेंगी, फिर PC4 का प्रोसेस होगा, ना बिजली आई। क्या जनाबे, मेरी रिक्वेस्ट होगी ऑनरेबल मिनिस्टर को कि आप इसको सीरियस लें, इसको खुद टेकअप करें, और आप उधर एक हुक्म दें, बिल्डिंग डिपार्टमेंट भी आपका है, गवर्नमेंट का, अगर ना अहली है तो ये गवर्नमेंट की है, आप उन्हें हुक्म दें कि मौजम शेर साहब उन्होंने कमिटमेंट दी है कि फॉल 2020 में क्लासेस लगेंगी। फॉल 2020 जी 2022 में उन्होंने कमिटमेंट दी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। जनाब चेयरमैन, अगर तो ये कमिटमेंट पे फुलफिल हो जाती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन होनी नहीं, क्योंकि वजह ये है कि अभी तक तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट, उधर बिजली का ही मसला इनसे सॉल्व नहीं हो रहा, सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। अब उन्होंने कमिटमेंट दे दी, चलिए कमिटमेंट है तो हम देख लेते हैं, आवाम भी फिर देखेगी। जी बिल्कुल।